बाणगंगा थाना क्षेत्र में कल बदमाशों ने दिनदहाड़े एक किसान को चाकू की नोक पर लूट लिया। बदमाश किसान से 80,000 रुपए पर्स और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र की है, जहां कल शाम फरियादी इरफान खान निवासी सिमरौल किसी काम से सांवेर गया था। लौटते समय इरफान की गाड़ी पंचर हो गई। इसी बीच तीन युवक उसके पास आए और पीछे से चाकू उसकी कमर पर अड़ाया और उनके पास से 80,000 रुपए पर्स और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद फरियादी ने थाने पर सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं, ताकि आरोपियों का हुलिया पता चल सके, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हाँ, ये ईश्वरवाला फैक्ट्री के सामने MR4 रोड पर कल शाम की घटना है 4 बजे की, और फरियादी इरफान खान है जो सिमरौल के रहने वाले। इनके द्वारा बताया गया कि ये कल सांवेर से आए थे और इनके पास 80,000 रुपये थे जेब में रखे हुए थे। इनकी गाड़ी पंचर हो गई थी और उसी टाइम इनके द्वारा बताया गया कि तीन लड़के आए थे और इनको पीछे से कुछ अड़ाया, ऐसा इन्होंने बताया। और इनके जो भी बताया कि तुम्हारे जेब में जो भी है वो उनको दे दो, तो फरियादी ने अपने जेब में रखा हुआ मोबाइल पर्स और जो पैसे थे 80,000 रुपये वो आरोपियों को दे दिए और वो बाद में आरोपी वहाँ से चले गए। तो इस फरियादी की रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर ली गई है और जाँच में। फरियादी क्या करता है? फरियादी ये किसानी का काम करता है और कुछ वेल्डिंग वेल्डिंग का काम करता है, ऐसा ट्राली वगैरह का काम करता है ऐसा जी। मतलब कैसे काम जा रहा था? ये कुछ ट्रैक्टर वैक्टर के ट्राली वाली के कुछ काम से आया था, ऐसा फरियादी ने बताया। होलिया वगैरह फरियादी ने कुछ भी नहीं बताया है, और बाकी CCTV फुटेज वगैरह पुलिस खंगाल रही है, उसके आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं है घटना की, जब तक पूरी तस्दीक नहीं हो जाती, CCTV फुटेज वगैरह चेक नहीं आते, तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। उपनिरीक्षक सराज डाली थाना बाढ़। ये तो देखने लग गया। अरे आज ही जा रहे थाना पे, जा रही थाने पे, जहाँ सामने मल्हारगंज ये है, शाम को चंकी तक हूँ आज मैं।